मैं कोमल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फिर से एक बेहतरीन डेकर स्टफ बनाने वाली हूँ, जो मैं एक यूज्ड और स्पेयर सर्विंग स्पून से बनाने वाली हूँ। जनरली अगर हमारा डिनर सेट का सर्विंग स्पून ख़राब हो जाता है तो हम सिंपली उसे फेंक दिया करते हैं, लेकिन 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 मेरी डिक्शनरी में फेंकना वर्ड बिल्कुल लिस्टेड नहीं है, तो आज इसे भी मैं यूज़ कर एक डेकर स्टफ में ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी ओल्ड स्पैचुला और सर्विंग स्पून नहीं है तो आप उसकी जगह पे सूप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। स्पून के इस पार्ट में मैं फेस ड्रॉ करने वाली हूँ, जिसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का DIY। इस DIY के लिए मैं कैमल का फैब्रिक का पेंट यूज़ कर रही हूँ, जो आपको स्टेशनरी शॉप पे पर बॉटल भी ईजली मिल जाता है। पेंटिंग के लिए कुछ ब्रशेस चाहिए, एंगुलर ब्रशेस भी चाहिए होंगे क्योंकि मैं फेस ड्रॉ करने वाली हूँ। तो चलिए आज का DIY स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पर क्रीम कलर से बेस रेडी करूँगी। मैं इसके लिए थोड़ा थिक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्रीम कलर रेडी कर लिया है दो कलर को मिक्स कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। मैं इस पर 3 कोट डालने वाली हूँ। 2 कोट में मैंने देखा ये उतना अच्छा लुक नहीं आया, पहले एक बार कोट कर लें, फिर उसे थोड़ी देर ड्राई होने दें, फिर दूसरा कोट डालें, तो ये अच्छा और स्मूथ टेक्सचर आपको मिलने वाला है। ये मैंने 3 कोट करके इसे रेडी कर लिया है और थोड़ी देर मैं इसे ड्राई होने देती हूँ, तब जाके इस पर मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगी। ये ड्राई हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इस पर एक मार्कर से फेस ड्रॉ कर लूँगी, जो मुझे पसंद है। आप बिल्कुल अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकती हैं, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन, इमोजी, कार्टून, कुछ भी ड्रॉ कर सकती हैं। मैंने एक बॉय का फेस सेलेक्ट किया है जो मुझे अच्छा लगा था। तो चले स्टार्ट करती हूँ ड्रॉ करना। अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करना चाहते हो डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे डायरेक्टली करती हूँ, लेकिन आज मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप परमानेंट मार्कर कृपया ना यूज़ करें, क्योंकि उस पर अगर आपने एक बार डाल दिया परमानेंट मार्कर, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर उसे रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से फिर उसे पूरे पेंट को वॉश करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से इसका हेयर पेंट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फेस ड्रॉ कर रही हूँ तो एंगुलर ब्रशेस ही बेस्ट है। ब्रशेस सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग का। अगर आप फाइन वर्क कर रहे हो और अगर आपने फ्लैट ब्रश ले लिया तो मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फाइन वर्क करना है हमें, काफ़ी कॉर्नर्स है, कॉर्नर वर्क है, तो यहाँ पर एंगुलर ब्रश काम करता है। आप पेंटिंग करो, देखो अगर एक कोट सही ना लगे 2 कोट डाल दो। हाँ, एक कोट डालने के बाद उसे ड्राई होने ज़रूर रख देना, क्योंकि अगर आप एक कोट कर लोगे और तुरंत करोगे तो उतना अच्छा लुक नहीं आता। ड्राई होने के बाद वो पेंट सेटल हो जाता है, फिर हम दूसरा कोट करें तो अच्छा लुक आता है। और अगर आप कोई भी पेंटिंग वर्क करते हो और DIY करते हो, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उसके साथ कितना टाइम दिया, कितना पेशेंस से के साथ काम किया और कितना फाइनली आपने उसे फिनिश दिया है। हम यूज्ड और स्पेयर आइटम से भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि हम उसके साथ कैसा काम करते हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ उसे बनाते हैं, कितनी पेशेंस के साथ हम उसे बनाते हैं बस, और वो चीज़ काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और परचेज आइटम से काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक दिखती है। ये भी उन खूबसूरत डेकर स्टफ में से एक होने वाला है जो यूनिक एंड सुपर इंटरेस्टिंग है। ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप आज ही इसे बनाओ, काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है, आपकी किचन को एक यूनिक लुक देने वाला है। मैंने एक और पीस रेडी करके रखा है जो एक गर्ल फेस है। मैंने ये पेयर बनाया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है मेरे किचन को, मैं उसके पिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हैप्पी कपल रेडी है, ये मेरे किचन में हमेशा साथ रहने वाले हैं और मिलकर ही मेरे किचन को एक
बढ़िया सा लुक देने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ जाकर जल्दी से इसे ट्राई करें, ये बहुत ही खूबसूरत डेकर आइटम होने वाला है। ये मैंने किचन में इसे रख दिया है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस कॉर्नर को इसने एक प्यारा सा लुक देकर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड खूबसूरत कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।